नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सिकंदरा खानपुर देहात के ब्लॉक संकल्पुर के गांव कसोलन में इस वर्ष भी धूमधाम से रावण का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान राम और रावण के महायुद्ध की भव्य रामलीला से हुई, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। मंचन के हर दृश्य ने रामायण के प्रसंगों को जीवंत कर दिया। मेले में रहा हर्षोल्लास का माहौल। मेले में झूले, बच्चों के खिलौने, मिक्की हाउस, सॉफ्टी और चाट की दुकानों ने लोगों को आकर्षित किया। दूर दूर से आए माताएं, बहनें, बच्चों ने रामलीला और मेले का भरपूर आनंद उठाया। बाण सिंह रावण कांत आयोजकों ने बताया कि रावण कांत तो उसकी नाभि में एक बाण लगने के बाद ही संभव हुआ। जैसे रावण का पुतला धधकते हुए धराशायी हुआ, मैदान जयकारों तालियों से गूंज उठा। सभी ने आयोजन की सफलता के लिए एक दूसरे को बधाई दी और भविष्य में ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और भव्य रूप से आयोजित करने का संकल्प लिया। तुम्हारी मेले में सबसे अधिक नन्हे मुन्ने बच्चे व बच्चियां दिखाई दी। उत्साह और उमंग का संगम। इस साल के आयोजन ने पूरा गांव में उत्साह और उमंग का संचार कर दिया। रामलीला और रावण दहन ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि लोगों को सांस्कृतिक परंपराओं से भी जोड़ने का काम किया। वहीं भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।